गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर आप कल क्यों नहीं आए, क्योंकि बेटा कल है ना, मैं सुबह जब सोकर हम उठे तब देखा कि मेरे बड़े बेटे को जो है वो बड़ा हाई ग्रेड फीवर था उसको, और पूरा बॉडी पेन था उसको, जुकाम भी हो रहा था, मतलब पूरे टिपिकल जो कोविड के सिम्टम होते हैं वैसे मेरे बड़े बेटे को थे। तो फिर मैंने जो है वो उसको इमीजिएटली मैंने जो उसको लेकर गया, आरटीपीसीआर कराया उसका मैंने, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी कभी इस तरह के सिम्टम दिखते हैं घर में किसी भी फैमिली मेंबर को, तो पहला काम तो करते हैं हम आरटीपीसीआर कराते हैं, ठीक है। हालांकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उसको जो है कोविड नहीं आया, नेगेटिव रिपोर्ट है उसकी, पर तब भी हमने उसको आइसोलेट कर रखा है, मास्क लगाकर जो है इसको ट्रीटमेंट उसका चालू किया है। तो वो सुबह सुबह जो है वो जब सोकर उठा बच्चा एकदम घबराया हुआ, तो फिर वो एकदम 102 103 फीवर। हालांकि ये वेदर चेंज के कारण भी हो सकता है, बहुत सारे मल्टीपल रीजन है, कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन चूंकि भी फिर से कोविड का चल रहा है तो थोड़ा सा जो है वो वैसी कंडीशन थी जहाँ पे प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी था। मतलब मेरा मानना यह है कि अभी इस समय भी इस तरह के सिम्टम होते हैं, कोई भी ऐसी ऐसा लगता है जुकाम है, तेज फीवर है, बॉडी पेन है, ठीक है, पेट खराब है, तो इमीजिएटली आरटीपीसीआर कराना चाहिए, जांच कराना जरूरी है, जिससे मान लो कभी कोई दिक्कत हो तो बाकी फैमिली मेंबर को हम जो है वो इन्फेक्शन से बचा सके हम लोग, ठीक है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है वो चीज़। तो मैं कल आ नहीं पाया इसमें, कभी कभी ऐसी फैमिली इमरजेंसीज भी हो जाती है। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बड़े इंपॉर्टेंट इशू पर, कि आपने एक वर्ड सुना है ऑटो सजेशन। अरे मोबाइल में तो कई बार आपको वो सजेशन देता है, जब आप स्पेलिंग टाइप करते हैं तो कुछ वो अपने से स्पेलिंग मोबाइल लिखने लगता है ना, ठीक है। तो वैसे ही जो है हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो भी हमको ऑटो सजेशन देता है, ठीक है। ऑटो सजेशन का मतलब होता है कि हम अपने आप को कुछ सलाहें देते रहते हैं लगातार, ठीक है ना। मतलब हमारा मन जो है ना, हमारा जो दिमाग है वो लगातार काम कर रहा होता है कई सारी चीजों में, वो अपना आपको ऑटो सजेशन दे रहा होता है कि नहीं तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए, वैसा सजेशन देता है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि ये ऑटो सजेशन जो है वो आते किस कैसे, ये जितने भी ऑटो सजेशन आपको आपका मन देता है, आपका दिमाग देता है, वो सब आपके पूर्व अनुभव से आते हैं, जो आपके आपने चाहे वो आपने उन अनुभव के बारे में सुना हो, देखा हो, सीखा हो, महसूस किया हो, या आपकी जिंदगी में पहले घटे हो, तो वो सारे अनुभव इकट्ठे होकर जो है वो अपनी एक जिसे बोलते हैं ना कि एक डिक्शनरी को तैयार करते हो, जब भी जरूरत पड़ती है तो उसमें से कुछ वर्ड निकलते हैं वो ऑटो सजेशन से, और वो आपको पॉपअप होते हैं, बाहर आ जाते हैं वो कि भाई इसमें ऐसा करना है तुमको। आपने देखा होगा लाइफ में कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा रिस्क लेते हैं, और बड़ा मतलब समझ लीजिए कि बड़े चैलेंजिंग टाइप के, मतलब हर किसी को चैलेंज करते नजर आते हो, तो उनके ऑटो सजेशन उनको ये कहते हैं कि मुझे हमेशा मुकाबला करना है, हमेशा मुझे लड़ने के लिए तैयार रहना है, हमेशा मुझे आगे जाना है, वो कहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बहुत कंजर्वेटिव होते हैं कि नहीं हमको संतोष ही, हमको आगे नहीं करना, ये नहीं करना, तो उनके वैसे अनुभव रहे होते हैं कि नहीं मुझे आगे नहीं जाना, कोई आगे खतरा हो सकता है। तो इसलिए आपको कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं मिलेंगे, आपको जो भी लोग मिलेंगे उनमें आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देखने मिलेगा, आपको एक ही सिचुएशन में वो अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करेंगे वो, और ये सब किस पर निर्भर करता है, ऑटो सजेशन पर निर्भर करता है वो। एंड जो आपने इनपुट पहले डाले होते हैं, जैसे मोबाइल में देखना आपको भी आप टाइप करते हो कीबोर्ड में कुछ पहले लिखा होता तो वो वर्ड फटाफट जल्दी जल्दी आने लगता है, बस वैसे ही हमारा दिमाग करता है। तो मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि इन ऑटो सजेशन को इम्प्रूव कीजिए आप। मैं मानता हूं कि इनको हम सिरे से नया नहीं लिख सकते, दिस इज लाइक ए कोड, कि इस कोड को नया लिखना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो इस कोड में लेकिन हम मामूली मामूली चेंज करते हुए बड़े चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने आप को ऑटो सजेशन में हम अपने आप को दें, हम बोले कि नहीं चाहे कुछ हो जाए मुझे एग्जाम निकालना, मुझे पढ़ना, ठीक है, चाहे मुझे कितना भी मेहनत लगे मैं आज इस हिस्से को पूरा करके जाऊंगा, ठीक है, और मुझे ये हिस्सा समझ में आएगा, ठीक है। दो चीजें होती हैं, हम बोलते हैं कि मुझे आज फिजिक्स को समझना है, तो दिस इज ए क्वेश्चन, मुझे आज फिजिक्स को समझने की कोशिश करूंगा, फिजिक्स को समझना है, तो यहां पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, तुम नहीं भी समझ सकते हो, यहां पे एक ऑप्शन छोड़ के रखा हुआ है तुमने, ठीक है। लेकिन तुम बोलते हो कि आज तो मुझे ये करना ही है और मैं आज इसे कर ही उठूंगा, तो यहां पर तुमने कमांड दे दिया। कमांड जो है ना वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है बजाय क्वेश्चन, ओपन एंड क्वेश्चन के, कि मुझे कर मैं कोशिश करूंगा, मैं करता रहूंगा, मैं मेहनत करता रहूंगा, नहीं, सेट ए टारगेट एंड हिट दैट गोल, ठीक है, सेट ए टारगेट, हिट दैट गोल। बड़ा टारगेट सेट मत करो, छोटा टारगेट सेट करो, आगे बढ़ोगे, ठीक है, जीतोगे, फर्क पड़ेगा, ठीक है। मैं जहां जिम जाता हूं
वो बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं आपको कभी फोटो खींच के आपको आप कम्युनिटी में डालूंगा या छोटा सा वीडियो क्लिप बनाऊंगा उसका, मैं भेजूंगा उसमें। जिस जगह पर मेरा जिम है उसके उस वो रोड के बिल्कुल आमने सामने, यानी एक तो सड़क के इस तरफ जिम है और इस तरफ एक स्टोर है, और उस स्टोर का नाम है ऑल। ऑल एक ऐसा स्टोर है जहां पर प्लस साइज कपड़े मिलते हैं। प्लस साइज कपड़ों का मतलब है कि यदि आपका आप थोड़े ओबेज हो चुके हैं, मोटे हो चुके हैं, तो आपको कपड़े लेने में जाएंगे बाजार में, तो आपको शर्ट ऐसी मिलेगी जो शोल्डर पे तो फिट होगी, पेट पर फिट नहीं होगी, तो पेट से शर्ट की बटन खोलती हुई नजर आएगी कि भैया देख लो अंदर कुछ भरा हुआ है। ठीक है, मेरे साथ ऐसा होने लगा है था बीच में। ठीक है ना, अभी कोशिश कर रहे हैं कि भैया शर्ट को कि छिपा के रखो, भाई तोल समृद्धि की निशानी होती पर छिपा के रखो इसको। ठीक है, खैर कहने का मतलब ये, तो दो चॉइस थी उस है वहां पर, कि एक तरफ है नाइट्रो जिम और एक तरफ है ऑल का स्टोर। ऑल मतलब प्लस साइज कपड़ों का स्टोर, बड़ा स्टोर है। आप सोचो उस सड़क के एक तरफ है ऑल स्टोर, एक तरफ है नाइट्रो जिम, दोनों में एक फर्क ये, फर्क ये दोनों में कि आपके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि यदि आप थोड़े ओबेज हो गए तो आप प्लस स्टोर में जाइए, आप ऐसे कपड़े ले लीजिए जिसमें आप मोटे कम दिखाई पड़े, ऐसे कपड़े मिलते हैं मोटे कम दिखाई पड़ेंगे वैसे कपड़े मिलते हैं, तो वो प्लस स्टोर में जाइए, वैसे ऑल स्टोर में जाइए, वैसे कपड़े ले लीजिए, काम खत्म, अपना सुकून से जो भी था वो बिल बिल भर के सुकून की जिंदगी, कोई टेंशन नहीं कुछ नहीं। और सड़क के उस तरफ जो नाइट्रोजिम है वहां जाओगे, वहां मशीनें रखी ढेर सारी, ट्रेनर बैठे हुए तैयार कि भैया भरो फीस और हम तुमको जो है वो अब जो तुमने जो खाया है उसको निकालने के लिए, मतलब उसको कम करने के लिए, चर्बी को कम करने के लिए दौड़ाएंगे, मेहनत कराएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुमको बड़ा कष्ट होता है प्रोसेस में। मन करता है यार क्या यार कब खत्म होगा, कब 8 बज जाएगा, कब कब, मतलब वो तुम बोल रहे थे कि सर जिम का एक जिम का छोटा क्लिप आया उसमें सर मुस्कुरा रहे थे। अरे मुस्कुरा मैं इसलिए रहा था कि वो जो वीडियो बनाने वाला ट्रेनर था उससे मैंने बोला भाई मेरा सेट तूने बोला था 15 का सेट कर, तू 20 का सेट करो, अभी ये वीडियो बनाते बनाते 25 हो गए, अब तो रोक दे इसको ताकि मैं वीडियो में बीच में रोकूंगा कि नहीं बन रहा है तो बच्चे क्या बोलेंगे, तो इसलिए मैं मुस्कुरा रहा था। ठीक है, असली में मैं अंदर क्या फील कर रहा था वो मैं जानता हूं। तो खैर कहने का मतलब ये है कि लाइफ में हमेशा आपको चॉइसेस मिलेंगी, आपको एक ऑल वाला स्टोर मिलेगा, एक नाइट्रोजिम मिलेगा, चुनना तुम्हें है कहां तुम्हें कष्ट उठाना है और कुछ अच्छा रिजल्ट देखना है, या बगैर कष्ट उठाए तुमको एडजस्ट कर लेना है, तुमको चुनना है। अब तुम चुन सकते हो उस चीज को, आराम से चुन सकते हो उस चीज को तुम, लेकिन बात यह ना कि सारा खेल तो चुनाव का है। मुझे सलमान खान या ऋतिक रोशन नहीं बनना है, पर मेरे को लगता है कि मेरे जो मेरे पास में बहुत सारे अच्छे अच्छे सूट है जो मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में पहना करता था। अरे वहां जलवे के साथ जाना पड़ता है कॉन्फ्रेंस में सूट वूट पहन के, बकायदा कि आप जो मंच में बोल रहे होते हैं, अब वो सारे सूट बनना बंद हो गए भाई, तो पहनते तो लगता है कि टाइट हो गया है टाइप से, तो वो मतलब मेरा कई मतलब सब जोड़ूंगा तो लाखों से का इन्वेस्टमेंट होगा वो सूट का, अब तक का वो सारा बर्बाद चला जाएगा। तो भैया पैसा बचाने के लिए दौड़ रहे हैं अपन, ठीक है, कौन सलमान खान बनने के लिए दौड़ रहे हैं कि भाई थोड़ा फिट तो हो जाए अपने पुराने कपड़ों में, है ना। तो अब तुम तो क्या ग्रोइंग बच्चे हो, तुम्हारे तो कपड़े तो चेंज होते चले जाएंगे अभी, ठीक है, हम तो अभी फिट फिक्स टाइप के व्यक्ति ना, जी हमारा साइज बदला तो हमारा पूरा वार्डरोब खराब हो जाएगा, और अपन भारतीय भी नहीं है कि अपने को हर दिन कपड़ा मिलता कुछ ना कुछ लेने का मौका मिलता अपने को। ठीक है, भूल मत देना नहीं तो अभी मतलब बैंड बज जाएगी हमारी, तो वो है उसके पास कितने कपड़े अपने को खुद नहीं पता, अपने को लगता है ये घर में कपड़े ही कपड़े हैं, उसके अलावा रखने की थोड़ा बहुत सामान रखने की जगह। खैर तो छोड़, तो अभी कहने का मतलब ये है कि लाइफ में हमेशा चॉइसेस मिलेंगी, अब तुमको चुनना है कि तुम्हें जाना किस तरफ है, तुम्हें कष्ट लेके कुछ अच्छा देखना है या तुम्हें सुविधा देखना है, बस भाई। तो ऑटो सजेशन जो है ना ब्रेन को हमेशा देते रहना पड़ता है, नहीं 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 ऐसा करेंगे ऐसा होगा, क्योंकि हर बार ब्रेन तो कंफर्ट ढूंढेगा। तो अपनी ऑटो सजेशन की डायरी को इम्प्रूव कीजिए। चलिए है ना, आज इतना ही, और कल मिलते हैं फिर, हम कल बात करेंगे, थोड़ा लंबा बात करेंगे, कुछ है ना कोई स्टोरी पर बात करेंगे। आज बस इतना ही बोलूंगा कि अपनी ऑटो सजेशन की डिक्शनरी को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है बेटा, चलो हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।